हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, अच्छा से तैयारी भी चल रहा होगा। दोस्तों, NPCIL का दो दो भर्ती अभी चल रहा है। तो दोस्तों, जो पहले भर्ती था वो ITI डिप्लोमा 10th वालों के लिए भर्ती था, जो परमानेंट जॉब था। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, ये इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। ड्राइवर निकला था, टेक्नीसियन भी निकला था, उसके बाद स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीसियन निकला था, उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट बी भी निकला था और स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट भी निकला था। कुल मिला के 137 वैकेंसी था। इसका एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसको भी अप्लाई कर सकते हो। इसका अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी बना चुका हूँ। उसके साथ साथ दोस्तों और एक भर्ती निकल के आ रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप, यहाँ पे जिसके पास ITI है उन लोगों के लिए और एक भर्ती निकल के आ रहा है। दोस्तों देख सकते हो, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है, यहाँ पे तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन से ये भर्ती निकल के आ रहा है, जो ऑनलाइन शुरू हो रहा है 27 दिसंबर 2019 से शुरू करके 21 जनवरी 2020 तक इसको अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उधर क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है ITI है तो अप्लाई कर सकते हो। फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे ट्रेड जो है इसके लिए एलिजिबल हो। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप सुन के आप डीमोटिवेट मत हो जाइए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप एक एक्सपीरियंस के तौर में आपको गिना जाएगा। आगे जाके कोई भी जॉब लेना चाहते हो, अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो आप लोग उस जॉब को इजीली क्रैक कर सकते हो, आपको बहुत प्रायोरिटी मिल जाता है उस जॉब के लिए। तो दोस्तों, इसका ऑनलाइन चालू हो चुका है, 27 दिसंबर से शुरू हो चुका है, आज 28 तारीख है और ये 21 जनवरी तक इसको अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उधर क्लिक करके इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको चाहिए अप्लाई करने का वीडियो तो आप कमेंट करिए, अगर ज़्यादा कमेंट आए तो मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई करने का प्रोसेस में बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, यही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।